जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं खेल खिलाड़ी, जिसमें से आज का चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है टेनिस। यह घटना चक्र जीके की बुक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें सारा दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बैडमिंटन कम्प्लीट किया है, इससे पहले फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ओलंपिक, सारा पहलुओं को हम लोग स्टार्टिंग से देखे, कैसे शुरुआत हुई और भारत की क्या स्थिति है उसमें, सारा हम लोग चीज़ देखे हैं। इसी तरह हम लोग टेनिस के विषय में भी देखेंगे। तो देर न करते हुए देखते हैं, पहला वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर है, देखते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में टेनिस सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्पर्धा मानी जाती है। आधुनिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो इस खेल का विकास जो है इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में मोस्टली खेल का आपका विकास, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, और हर खेल का, क्रिकेट हो, आपका जो विकास हुआ है इंग्लैंड में ही ज़्यादातर देखने को मिला है। और आधुनिक टेनिस को क्या बोला जाता है, लाल टेनिस के नाम से जाना जाता है। लाल टेनिस विभिन्न प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस से कुछ स्पर्धाएँ जो है हार्ड कोर्ट मीन्स घास रहित प्रांगण पर भी खेली जाती है, हार्ड कोर्ट पर भी। अब देखते हैं टेनिस की सर्वोच्च संस्था जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF है, इसका स्थापना वर्ष 1913 हुआ और मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में हुई थी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भारत में टेनिस के विषय में देखते हैं। मार्च 1920 में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, में ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन का गठन हुआ। ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जो हैं सैमुअल पैरी और डेनोल हैं, डेनोल थे। वर्ष 1980 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कर दिया गया और इसका मुख्यालय जो है आरके खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में स्थित है। तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं टेनिस का ग्रैंड स्लैम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, इस तरह का आपको देखने को मिलता होगा। समझ में नहीं आता होगा क्या है, किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टेनिस का ग्रैंड स्लैम, लाल टेनिस की चार प्रतियोगिताएं हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन को संयुक्त रूप से टेनिस का ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेनिस के ग्रैंड स्लैम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ 1933 में अमेरिकी पत्रकार जिनका नाम था जान किरन द्वारा किया गया ग्रैंड स्लैम, और एक कैलेंडर वर्ष में टेनिस की उपयुक्त चारों प्रतियोगिताओं को जीतने वाला खिलाड़ी या कोई है तो उसको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम विजेता बोला जाता है, जो चारों प्रतियोगिता को जीतने वाला खिलाड़ी है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट में है फ्रेड पेरी ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार इन चारों प्रतियोगिताओं को जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया 1934 में, 1935, 1934, 1933 में, ठीक है। इसके अलावा देखिए इकाई कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता जीतने वाला अगर प्रथम पुरुष की बात करें तो उनका नाम था डोनाल्ड बच, जबकि पहली महिला की बात करें तो उनका नाम है कारिन मारिन कानोली थी, 1953 अमेरिका की थी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कौन से पुरुष हैं जो चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं प्रथम बार, उनका नाम डोनाल्ड बच, और महिला की बात करेगा तो मारिन कालोनी है। अब देखते हैं गोल्डन स्लैम के विषय में देखते हैं। एकाई कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ ही साथ ओलंपिक में भी टेनिस का स्वर्ण पदक जीतना को क्या बोला जाता है, गोल्डन स्लैम बोला जाता है। टेनिस के इतिहास में जर्मनी को जर्मनी के रहने वाले स्टेफी ग्राफ है एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो 1988 में यह गौरव प्राप्त किया है। ग्रैंड स्लैम शब्द जो हुआ 1930 में गोल्फ में प्रयोग होता है। देखिए टेनिस के कुछ अन्य प्रतियोगिता देखते हैं। डेविस कप प्रमुख टेनिस की स्पर्धा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेड कप महिलाओं की टीम स्पर्धा है। इसके अलावा देखिए हाफ मैन कप अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम स्पर्धा है, हाफ मैन कप जो है अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम स्पर्धा है। इसके अलावा देखते हैं पैन पैसिफिक ट्रॉफी
विटमैन कम, मास्टर्ड ग्रैंड, एविएशन कप, ओल्बो टेनिस कप, एवर्ट कप, चैंपियनशिप कप, सिटीजन्स की शिप, सिटीजन कप, फैमिली सर्किल कप, हेनकेन ट्रॉफी, इस तरह की जो प्रतियोगिता हैं सब टेनिस की क्या है कप है। अब देखते हैं टेनिस कोर्ट की परिमाप, हमने बैडमिंटन कोर्ट का परिमाप देखा, अब देखते हैं टेनिस कोर्ट की। तो 78 फीट इसकी लंबाई है एकल और युगल दोनों का। मैदान की चौड़ाई है जो 27 फीट है एकल, और चौड़ाई जो होगा 36 फीट युगल में होगा। नेट की ऊंचाई 3 फीट, इसमें देखिए ऊंचाई कम होता है जबकि बैडमिंटन में ऊंचाई कितना होता है 5 फीट होता है। गेंद का वजन देखिए 56 ग्राम से लेकर 59.4 ग्राम। गेंद का रंग सफ़ेद या पीला होगा। रैकेट की अधिकतम लंबाई जो है 29 इंच होता है। देखिए टेनिस की कुछ शब्दावली है, इसको देखते हैं। सर्विस गेम लव ड्यूस फॉल्ट रिटर्न बैक हैंड ड्राइव सर्व सीडिंग वाली हाफ वाली ने लेट ट्राई बेकर चेंज इन आउट इत्यादि, ये सब क्या है टेनिस के प्रमुख शब्दावली हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है शतरंज, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए इस ये सब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं खेल खिलाड़ी से, इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, किसी भी एग्जाम में आने की संभावना 100% रहता है इस तरह के क्वेश्चन। अब तो फेवरेट एरिया बनता जा रहा है एग्जामों का, तो इसलिए इसको छोड़ना बहुत ही मूर्खता होगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 शतरंज। थैंक यू सो मच।